तो गर्म ही करनी है बस, ये रोटियां पड़ी हैं, इन्हें खा के विश्राम करते हैं। यार इधर से क्लास चल रही है, क्लास लगा हुआ, धुएं तो ऐसे निकलने लग गए थे इसमें जैसे पता नहीं कितने गर्म हो गया। मैंने निकाल के कप में डाल ली, पी के देख के ठंडी पड़ी है मेरी किस्मत की तरह। क्या यार दोबारा रखता हूँ। चमकते चेहरे देख लो गाइस, चमकते चेहरे देख लो। हाँ हाँ, मुंह धो के आया हूँ, ब्रश करके आया हूँ, बस अब खाना खाता हूँ, फिर एनर्जी आएगी, फिर चलेंगे कॉलेज। वैसे कॉलेज आज शायद ही जा पाएंगे, स्टॉर्म आ रहा है बाहर, तो शायद आज छुट्टी। मज़े पकेंगे क्या, उठा लो। ओ जी रोटी हो गया डन। ये लग रही है क्लास जिसका कुछ समझ नहीं आता, पर क्या करें, लगानी पड़ती है। क्या ये स्नो मेरी आज छुट्टी करवाएगी? अगर होगी तो मजा आ जाएगा। लाश देखनी है गाइस, लाश देखो, लाश। स्नो बढ़ जा, स्ट्रॉम आ जा बस। मैं तो कह रहा मेरा कॉलेज उजड़ जाए बस, फिर छुट्टियां। लाश देख लो लाश। चलो भाई बर्तन भी खुद मांजने आया हूँ, बाहर आए हो आप, घर पे नहीं हो अपने। बर्तन डन गाइस। ठीक है भाई, मैं तो चला नहाने, नहा के मिलते हैं, फिर हम जाएंगे टोरंटो कॉलेज लगाने। स्ट्रॉम आ रहा है पर स्ट्रॉम ज़्यादा तेज़ नहीं आया, तो जाना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। ये रहे मेरे कपड़े जो मैं डालूंगा, और ये रहा मैं जिसके ऊपर कपड़े डलेंगे। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। क्या ना, तू नहीं नहाता तो इसका मतलब क्या, मैं भी नहीं नहाता, नहाता हूँ मैं तो साढ़े। तेरे में से बदबू मारती है, मेरे में से थोड़ी मारती है। चमकते चेहरे देखने हैं, चमकते चेहरे ये देखो, फिर चमकते चेहरे। मैं यार चमक तो रहा ही नहीं, पर मैं कोई बात नहीं यार, एडजस्ट कर लो, ऐसा ही लगता हूँ मैं। चमक क्यों नहीं रहा यार नहाने के बाद भी, मेरा नहाना वेस्ट गया, 2 लीटर पानी वेस्ट। कोई नहीं, कर लो एडजस्ट। चलो अब निकलते हैं, मैं हो रहा हूँ लेट कॉलेज के लिए। ये मैंने टांगा अपना बस्ता, ये लिया मैंने अपना वॉलेट जिसमें कुछ नहीं होता कभी, ये लगाई मैंने चश्मे, वरना मैं किसी लड़की में ठुक जाऊँगा अगर ये ना लगाऊंगा। करी मैंने लाइट बंद, मेरे वाइट शूज। चलो चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्या आज मैं कॉलेज जा पाऊंगा? चांसेस तो कम लग रहे हैं जितनी स्नो पड़ रही है, पर मैं पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनूंगा, तो इसके लिए मुझे ये रास्ता पार करके जाना पड़ेगा। पूरी स्नो ही स्नो हुई भैया गाइस। क्या मैं ओहो, ये तो स्लिपरी हो रही है, मैं अगर तिलक गया तो मेरी तो कमर टूट जाएगी गाइस। हाँ अब चमक गया ना, नहीं नहाना वर्थ इट था, अब चमका मैं। थोड़ा टाइम लगा बाहर निकल के चमका, पर चमक गया मैं। ठीक है फिर दिखा आगे का रास्ता दिखाता हूँ। ये देखो मेरी कार, इतना साफ तो उसका दिल भी नहीं था जितनी साफ ये स्नो है। आज तो स्कूल की भी छुट्टी है, मेरे कॉलेज वालों को क्या आफत पड़ गई थी जो बुलाना पड़ गया। मेरे हाथों अभी एक मौत होने वाली थी, जीप वाला पानी उड़ा के गया। मैं बता रहा हूँ कि भाई आराम से चलाया करो प्लीज यार, गरीब आदमी हूँ, आराम से चलाया करो, मत उछाला करो पानी। यार इंडिया में तो मम्मी टाइड से धोखे वाइट शूज को दोबारा से नया कर देती थी, पर यहाँ पे कौन करेगा। ये देखो मेरे जैसा जा रहा कोई स्ट्रगल करता हुआ। जिस हिसाब से मेरा ध्यान 90% मेरी व्लॉगिंग में है ना, मेरी बस छूटेगी आज। उम्मीद थी तो नहीं, पर टाइम से पहले पहुंच गया स्टेशन पे, गुड। अब यहाँ पे रिचार्ज करा लो जल्दी जल्दी, तो रिचार्ज करा के मिलता हूँ। ठीक है भाई, प्रेस तो रिचार्ज डन। बस में एंट्री हो चुकी है गाइस। व्यू देख लो और ये गंदे चेहरे देख लो। हर बार साइड वाली खाली छोड़ता हूँ सीट, ताकि कोई लड़की आके बैठ जाए, पर कोई बैठती नहीं है। फिर तुम कहते हो कैनेडा आके तो मजे ही मजे हैं। क्या मजा है, कुछ मजा नहीं है यार। एक तो ये बस वाला आराम से चल रहा है, इसे कहना हरियाणा रोडवेज की तरह दूसरी सड़क पे पा लेना इस बस को। बस से उतर गए हैं अब ट्रेन पकड़नी है चलो ट्रेन पकड़ते हैं। ये दो चाइनीज लड़ रहे हैं आपस में कि पैसे तू देगा या मैं दूंगी। ये भाई सी आईडी में लगा हुआ है, ये देख रहा है दया कहाँ है। चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ने। ये चल दिया मैं अपने बर्बादी के रास्ते पे, मैं अपनी बर्बादी की सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 से 3, तो मुझे जाना है इधर, इन क्यूटीज के साथ जाना है मेरे को। ये मैं अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ। वेलकम टू द ट्रेन गाइस, देखो यहाँ इंडिया की तरह ट्रेन, इंडिया की तरह ट्रेनें नहीं होती हैं, ट्रेनों में भी हीटर लगा होता है, ट्रेन में भी हीटर लगा होता है। ये देख लो ब्यूटीफुल कैनेडा वंस अगेन, ये बार बार मैं एक ही चीज़ की बोलता हूँ। तो चलो अब मैं अपनी स्टैंड अप करता हूँ, स्टैंड अप या सीट डाउन करता हूँ मैं अपनी।
तो ये है मेरा बैग, सस्ता सा बैग जो मैं इंडिया से लाया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था। बहुत सही बैग है भाई, देख लो स्नो पूरी पड़ रही है, इतनी स्नो में तुम्हारा भाई स्ट्रगल करने पढ़ने जा रहा है। और अगर मैथ्स वाले टीचर ने कह दिया कि आज मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। कुछ वो इंडियन तो नहीं बैठा सोचेगा क्या बकवास मारी जा रहा है फ़ोन के साथ। चलो गोरों को तो कुछ समझ नहीं आता है तो चल जाता है। ये देखो गाइस, यहाँ की ट्रेनों में नहीं होते लोगों के ट्रंक, जैसे अपने इंडिया में लोग ट्रंक ही लेके चल देते हैं ट्रेन में। तीन चार चार तीन सीटें छोड़ी हैं खाली, तीन में से एक क्यूटी तो आनी चाहिए यार, क्योंकि तो क्यूटी लेस घूमता रहूँगा मैं। क्यूटीज अगर तुम ये ब्लॉग देख रही हो, कोई भी क्यूटी इस ब्लॉग को देख रही है, तो यार DM करो, मैं रिश्ते के लिए ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर रिश्ता अर्जेंटली। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कुछ बताने को पढ़ने जा रहा हूँ, इतनी ठंड हो रही है। तो वही है ना, जो पढ़ता नहीं है, पढ़ लिया कर साले, यूट्यूब के ब्लॉग देखने से घर नहीं चलता। पर ये वाला देखो, ट्रेन में टाइम पास कैसे करूँ यार, कोई क्यूटी मेरे साथ लूडो खेलेगी? पर यार वो तो मेरे साथ सांप सीढ़ी खेल के चली गई, सांप बन के मेरा काट के चली गई। क्या क्या देख रहा है, पढ़ ले साढ़े पेपर आ रहे हैं तेरे, मेरा क्या, मुझे तो ट्रेन में घूमना है इधर उधर, मेरे भी आ रहे हैं पेपर। ट्रेन से उतरने का टाइम आ गया वापिस, ये लोग दरवाजा खुला खिलाया मिल गया, मुझे जाना है नीचे, तो मैं सीढ़ियाँ यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा चलना भी चाहिए। ये रहा यूनियन स्टेशन, जहाँ पे इंडियंस की जनसंख्या करोड़ों में है। चलो यहाँ की एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, अगर जैसे तुम्हारे हाथ गिले हैं तो यहाँ पर सुखा सकते हो। स्टेशन के अंदर थोड़ा फैशन कर लेता हूँ, चेन खोल लेता हूँ, यहाँ तो इतनी ठंड नहीं है, बाहर निकलूँगा तो बंद कर लूँगा। मेरे जैसे आलसी यहाँ से जा सकते हैं, बाकी जो ज़्यादा एक्टिव है वो सीढ़ियों से जा सकते हैं। खोला मैंने दरवाज़ा, ये हम जा रहे हैं सबवे की तरफ, वी आर हेडिंग टूवर्ड सबवे, साइड में दो क्यूटीज हैं। ये लगाया हमने यहाँ पे प्रेस्टो, अपना खुल गया दरवाज़ा। आज तो सबवे भी शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भरी हुई थी, मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ही जो पढ़ने जा रहा हूँ, ये तो सब सीरियस है पढ़ाई को लेके, इतनी भीड़। अरे भाई टोरंटो में तो बड़ी खतरनाक स्नो पड़ रही है, अरे भाई टोरंटो में तो हाल माड़े हैं स्नो के, ये यहाँ से अब अपने इंडियंस दिखने शुरू हो जाएंगे। किसी को मिले तो ढूंढ देना भाई, इतनी स्नो में कौन पढ़ने आ रहा है। ये है भाई हमारे कॉलेज जॉर्ज ब्राउन वालों की पार्किंग, जहाँ लोग अपनी महंगी से महंगी कार लेके आते हैं, मैं भी एक दिन अपनी ऑल्टो लेके आऊंगा। स्नो में भीगे चेहरे देख लो गाइस, ये आ गया मेरा 10 रुपए के नोट जैसा कॉलेज जॉर्ज ब्राउन, यहाँ का स्टूडेंट एसोसिएशन है गाइस, ये यहाँ का स्टूडेंट हब है काइंड ऑफ। कॉलेज जल्दी आने के फायदे, तुम यहाँ स्टूडेंट हब में बैठ के यहाँ की हरियाली देख सकते हैं। तो यार ये कॉलेज नहीं भूल भुलैया, रोज नई नई क्लास में क्लासेस लगती हैं, कैनेडियन क्लासेस में स्वागत है गाइस। लो जी क्लास क्लूस लगा के हो गए हैं फ्री, अब चलते हैं घर। सीढ़ियाँ उतर तो आराम से गई, पर चढ़ने में मौत पड़ गई थी भाई। जब तक मैं इस कॉलेज का नक्शा समझूंगा, जब तक तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, डिग्री या डिप्लोमा। देख लो सुनो क्या हाल, और आओ कैनेडा, और आओ, ये देख लो आ जाओ कैनेडा, आ जाओ। कुछ नहीं आया, स्ट्रगल शुरू, बंदे ही करते हैं सिर्फ स्ट्रगल, यहाँ कारें थोड़ी करती हैं स्ट्रगल। ये देखो कुछ नहीं हो रहा, बहुत मजे है, आ जाओ कैनेडा, कोई नहीं बेटा तेरा टाइम आएगा, तो निकल जाएगी एक दिन इस दुविधा से। यार मुझे कोई लेने आ जाओ, मेरे को घर छोड़ दो, स्ट्रगल इज रियल गाइस, स्ट्रगल इज रियल। देख लो लाले पड़े हुए हैं स्नो में सबके, वो तो शुक्र स्ट्रॉम नहीं आया आज, बच गए, वरना इससे भी बुरे हाल होते। ओहो देख लो कहाँ कहाँ तक कारें जमी हुई हैं, वरना यहाँ तो ट्रैफिक होता ही नहीं था। शताब्दी एक्सप्रेस के लिए लोग खड़े हैं, शताब्दी एक्सप्रेस है जरा, स्नो भी देख लो कितनी स्नो हो गई है, बुरे हाल हुए पड़े हैं। तो भाई ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, बस मैं घर पहुंच गया हूं, अब घर पहुंचने वाला ही हूं बस। तो ठीक है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो मन करे कर देना।